बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सूखड़े का लाइव ट्रीटमेंट किस तरह करना है। दरअसल मैं सुबह अपने परिंदों को दाना दे रहा था, और वैसे भी मैं इस मुर्गी को दो तीन दिन से नोट कर रहा हूँ कि ये खुराक सही से नहीं उठा रही। जब आज मैंने सुबह उसको उठा कर देखा है तो इसमें जो है सूखड़े की अलामत आ रही हैं, ये सूखती जा रही है। तो आज जो है मैंने ट्रीटमेंट भी तैयार की हुई है, मैं इंशाल्लाह आपको अभी लाइव दिखाता हूँ कि आपने अपने परिंदा जब इस तरह सूखड़े की अलामत में आ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। मैंने पहले भी एक मुकम्मल वीडियो सूखड़े की बनाई है, उसमें मैंने ये इलाज बताया है, लेकिन मैंने कहा आज आपको ज़रा एक लाइव ट्रीटमेंट करके दिखाएँ, एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए कि आपने क्या चीज़ देनी है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने रात को जो है दही लाकर इस तरह कपड़े के अंदर बांध के इसको लटका दिया था, पूरी रात इसका पानी निकल गया। अब ये जो है जिस फॉर्म में आपको दिख रही है इसको पनीर कहते हैं। अब ये आपने अपने दही जो है पनीर फॉर्म में ये अपने बर्ड को देना है, जिससे उसकी जो आंतों में खुश्कपन आ गया है वो खुश्कपन ख़त्म भी होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपका बर्ड ठीक भी होगा। देखें, इलाज सुन्नत है, हम सिर्फ इलाज करते हैं, ठीक है, ताकि बर्ड जो है ज़ाया होने से बच जाए। बाकी शिफा देना जो है अल्लाह के हाथ में, ठीक है। कोई ये बोले जी हम ये करेंगे तो हमारा परिंदा लाजमी ठीक हो जाएगा, हम ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी जो है शिफा देना अल्लाह के हाथ में। अब मैं आपको जो है इसको तोड़ के जो है आप इसके, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ले के अपने बर्ड के आगे रख दें, वो जितना खाए उसकी मर्ज़ी है, इसका कोई नुकसान दे नहीं है, ठीक है। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपके बर्ड को, बल्कि उस ये देखें इसमें दूध शामिल होता है, उल्टा ये आपके बर्ड में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरा भी करेगी और आपके बर्ड को ताकत भी देगी। अच्छा जनाब, ये देख लें, मैंने आपके सामने दे रहा हूँ, इतना सा मैंने ऐसा तोड़ लिया, इसके सामने रख दिया। अब जो ये शौक से खाएगी, तकरीबन ये 4.5-5 माह की मादी है, लेकिन इसकी ग्रोथ पता नहीं किस वजह से रुक गई है। असल में 7 बड़े मुर्गे होते हैं या बड़ी मुर्गी हैं, वो इसको खाने नहीं देती, जिसकी वजह से जो है ये तनाव का शिकार हुई है, इसमें स्ट्रेस आया और इसने खाना पीना छोड़ दिया। अभी मैंने ये इसको दिया है, अब ये इसको मैं तकरीबन 3-4 रोज़ जो है मुकम्मल तौर पर दूँगा, अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगी। साथ आपने ग़िज़ा का भी ख़ास ख्याल रखना है, कोशिश करिएगा कि नरम ग़िज़ा दें, ठीक है, रोटी चूर के आप दे सकते हैं, चाय के साथ रस दे दें, या जो भी आपके पास घरेलू सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि सूखड़े की कंडीशन में बर्ड जो है इतना शौक से खाता नहीं है। तो मैंने कहा आज ये एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए, जिसमें आपको लाइव दिखाया जाए कि आपने सूखड़े में क्या देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।